नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में खास बात क्या है कि डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी गिवन है, और आगे भी डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी गिवन है, और नीचे कहता है यू आर रिक्वायर्ड कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ जॉब नंबर 1, 2, 3 मतलब 123 एंड ऑल्सो कैलकुलेट प्राइस चार्ज बाय ईल्ड प्रॉफिट 25% ऑन सेलिंग प्राइस। तो सबसे पहले डिपार्टमेंट क्या होता है, जैसे कोई मार्कर बनता है तो एक जगह पे पता है क्या हो रहा होगा, सिर्फ इसके अंदर जो रुई डली होती है, इसके अंदर ना कॉटन होता है वो बन रहा होगा, एक जगह पे सिर्फ कैप तैयार हो रहा होगा इसका, ठीक है, एक जगह पे इस पर लेबलिंग लग रहा होगा पूरा, और एक जगह पे ढांचा तैयार हो रहा होगा, अलग अलग है। तो जितनी जगह मैंने अलग अलग बताई ये सब क्या है, एक आपस में डिपार्टमेंट है, ठीक है ना। जैसे यहाँ जहाँ पे कैप तैयार हो रहा है सपोज करो, उसको बोलेंगे डिपार्टमेंट ए है, जहाँ पे कॉटन बन रहा होगा उसे बोलेंगे डिपार्टमेंट बी, और जहाँ पे लेबलिंग हो रहा होगा डिपार्टमेंट सी, ऐसे इन्होंने नाम दे दिया है, ठीक है। बाकी हमारा जो रॉ मटेरियल है वो खर्चा खर्चा ही रहेगा, सिंपल तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले कहता है मटेरियल जो लगा हमारा 4010 रुपये का, और जॉब नंबर 123 का मतलब पता ही क्या है कि जब कभी भी हम काम करते हैं ना तो जॉब वर्क होता है, मेनली जॉब वर्क भी होता है, क्योंकि जब भी आपका प्रोडक्शन होता है तो वहाँ पे बोलते हैं ये जॉब नंबर का ये काम हुआ है, ठीक है ना। तो जैसे कि मैं अगर इसके अंदर दे रखा है मटेरियल कितना यूज़ हुआ 4010 का, तो सिंपल मटेरियल लिख देंगे 4010 रुपये। आगे कहता है वेजिस है, अब यहाँ पे क्वेश्चन में ये तो नहीं बताया कि वेजिस कहाँ का है, जब कुछ ना बोले तो हमेशा याद रखना कि डायरेक्ट वेजिस ही है, जब सिर्फ वेजिस बोला जाए क्वेश्चन में तो क्या मानोगे यहीं का पार्ट है। तो अब वेजिस की बात करते हैं, तो वेजिस तीन जगह का है, डिपार्टमेंट ए का भी है, बी का भी है, सी का भी है। कहता है 60 घंटे 3 रुपये के हिसाब से, 60 घंटे कितने, तो इसका 180 रुपये वेजिस बना होगा ए वाले का, बी वाले का 40 घंटे 2 रुपये के हिसाब से, तो इसका 80 रुपये बना होगा, तीसरा 20 घंटे 5 रुपये के हिसाब से, तो इसका कितना बना होगा 100। तो टोटल वेजेस जो पेड पेमेंट किया होगा मैंने वो करा होगा 280 और 80 360, समझे बात कैसे आया 360। आगे कहता है ओवरहेड फॉर द 3 डिपार्टमेंट, ओवरहेड बताता है, वेरिएबल और फिक्स दो है तो ओवरहेड बता रहा है, तो यहीं पे लिख देते हैं क्योंकि हमारे पास स्पेस है, तो ओवरहेड, ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में ज़्यादा जानकारी है नहीं तो इसलिए मैं यहीं कर देता हूँ। ओवरहेड बताता है 3 डिपार्टमेंट का, और एक्सपेंस है ये, वेरिएबल ओवरहेड है, वेरिएबल ओवरहेड क्या क्या है सर, वेरिएबल ओवरहेड में डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी और डिपार्टमेंट सी। कहता है जी यहाँ पे 5000 रुपये फॉर 5000 आवर, तो 5000 रुपये कह रहा है तो डायरेक्ट 5000 ही हो गए ना, मल्टीप्लाई नहीं करना। कहता है अगर 5 घंटे है, 5000 घंटे है और 2 रुपये 3 रुपये रेट देता है तो मल्टीप्लाई करते। यहाँ पे कहता है कि 5000 रुपये का खर्चा हुआ है और कितने घंटे का, 5000 घंटे का टोटल हमारा खर्चा हुआ है, और हमें कितने घंटे के लिए करना है जॉब बैच, आगे बता देगा कहीं ना कहीं क्वेश्चन में हमें। ओवरहेड डिपार्टमेंट सी के लिए 60 40 30, चलिए एनीवेज आगे देख लेते हैं, अभी तो 5000 लिख लेते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट क्या कहता है हमें, आगे कहता है हमारा 3000 रुपये फॉर 1500 आवर का, कितने घंटे का ये हमारा 1500 घंटे का, कितना है हमारा 3000, ठीक है, अभी देख लेंगे जो अगर कुछ होता है इसके अंदर तो कर लेंगे हम। इसके बाद कहता है 2000 सी में है 500 घंटे का, तो यहाँ का 2000 खर्चा है। आगे कहता है हमारा जो यहाँ पे रहेगा ना फिक्स ओवरहेड, वो फिक्स ओवरहेड पता है कितने का, हमारा फिक्स ओवरहेड है हमारा यहाँ पे 7000 घंटे का 1400 रुपये, तो फिक्स ओवरहेड। अब फिक्स के अंदर आप ध्यान दो, यहाँ पे डिपार्टमेंट नहीं है, सबका कॉमन बता दिया, कितने रुपए 14000 है, 7000 है, 7000 घंटे 14000 है। अगर हमें क्वेश्चन कहता है ना कि भाई 50 घंटे के लिए बनाओ तो हमें सबको डिवाइड करके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्वेश्चन कहता है एक दिन का बनाओ तो 24 घंटे का निकालना पड़ेगा। अभी आगे देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। यू आर रिक्वायर्ड कैलकुलेट कॉस्ट जॉब 1, 2, 3, ऑल्सो कैलकुलेट द प्राइस चार्ज ईल्ड 25% ऑन सेलिंग प्राइस।
प्राइस। ऊपर स्टार्टिंग में अगर हम देखें तो कहता है फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन टेकन कॉस्ट रिकॉर्ड के हिसाब से और कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ जॉब वन टू थ्री के हिसाब से जॉब का यहाँ पे आपको गिवन है। तो अब बात करते हैं कि ध्यान देना, समझने वाली बात है, जो हमारा यहाँ पे काम चला है 60 घंटे काम चला है, यहाँ पे काम और यहाँ पे काम, तो सेम यहाँ पे भी इतने घंटे काम चला होगा। वेजेस तो जब मटेरियल में इतने घंटे लगा है तो अगले में भी तो इतना ही लगे होंगे, नहीं समझे बात आप। कहता है क्वेश्चन में कि यहाँ पे 60 घंटे काम चला है तो यहाँ पे भी 60 घंटे काम चला होगा, हमें सारा खर्चा ए डिपार्टमेंट का 60 घंटे के हिसाब से निकालना चाहिए और बी डिपार्टमेंट का 40 घंटे के हिसाब से निकालना चाहिए और सी डिपार्टमेंट का। तो हमें इसको निकालने के लिए क्या करना होगा, आप अगर ध्यान दो तो पहले बारी का कितना है हमारा, कितने 5000, तो डिवाइडेड बाय, समझ पा रहे हो इसको, और गुणा में कितने कर देंगे हम, 60 घंटे का निकालेंगे तो 60, तो 60 रुपये आ जाएगा। मैं यहाँ लिख नहीं पा रहा लेकिन यहाँ लिख देता हूँ, समझे बात, 60 रुपये आ गया। दूसरे कितने घंटे थे हमारे, तो डिवाइड जब हम इसको करेंगे 1500 से तो 1 घंटे का आएगा निकल के, और यहाँ कितने घंटे काम चला था, इनटू में 40, यानी ठीक है। तीसरे की बात करें तो कितने हैं, 500 और इसमें कितने घंटे, नहीं 20 घंटे है ना, तो कितने आएंगे ये 80, ये भी तो ये हो गया। और यहाँ पे देखा जाए फैक्ट्री ओवरहेड की बात करते हैं, तो फैक्ट्री ओवरहेड की अगर बात करें तो इसने कहा है कि आपका 7000 घंटे का कितने पार्ट है हमारा, 14000। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में ये कहीं भी नहीं बताया कि काम कितने घंटे हमारा किस पार्ट का है, ये नहीं, एबीसी का है, लेकिन ये फिक्स ओवरहेड ए का है कि बी का है कि सी का है, कहीं भी बताया नहीं है क्वेश्चन में। तो टोटल घंटे काउंट कर लेते हैं हम, ठीक है ना, टोटल घंटे पे काम करेंगे, फिर कितने हैं ये 14000 डिवाइडेड बाय कितने, 7000, और घंटे टोटल कितने हुए, 6, 60, 120, तो हम इसको मल्टीप्लाई जो करेंगे ना वो 120 घंटे से कर देंगे, 240। तो ऐसे देखा जाए तो हमारा फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगा, या और कुछ जानकारी है नहीं तो इसे ही हम क्या बोल सकते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स, है ना, टोटल कॉस्ट बोल लो या कॉस्ट ऑफ सेल्स बोल लो, सीधा हम आगे कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो टोटल कर लेते हैं एक बार, क्या आ जाएगा, पहले प्राइम कॉस्ट निकालेंगे, 14 3 43 170, इसमें ये जोड़ देते हैं 4370 प्लस 60 प्लस 80 प्लस 80 प्लस 240, तो ये आ गया 4830। क्वेश्चन कहता है हम 25% सेल पे कमाएंगे, कॉन्सेप्ट वही लगा लो, सेल्स कॉस्ट, हमें कॉस्ट पता है सेल्स नहीं पता, क्या मानेंगे 100, और यहाँ 25 माइनस करेंगे तो यहाँ क्या आएगा 75, तो यानी इसके डिवाइड बाय 75 इनटू में 25, तो 1610 रुपये प्रॉफिट और सेल्स आ जाएगा, जोड़ देते हैं 1610 प्लस 4830 6440 का आ जाए, ये बन गया हमारा कॉस्ट शीट, ठीक है ना। तो आई एम श्योर कि जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया होगा ना तो मैक्सिमम बच्चों ने छोड़ दिया होगा इसको, और यहाँ तक तो सब लग रहा था आसान, यहाँ वाले पॉइंट में थोड़ा सा टिपिकल था, क्योंकि यहाँ ये नहीं बताया, तो यहाँ आपने दिमाग लगाना है कि वेरिएबल ओवरहेड है, जितने घंटे लेबर ने काम किया होगा उतने घंटे का ही जाएगा वेरिएबल ओवरहेड उसके हिसाब से, और ये फिक्स ओवरहेड जो निकाला ना इसके लिए स्पेशली नोट देना होगा, ये वर्किंग नोट मैंने इसी के अंदर हालांकि कर दिया है, आपको इसके बाहर भी कर सकते हो वर्किंग नोट और नोट दे सकते हो, वो आपकी इच्छा है, ठीक है। तो ये हमारे बुक का हमारा जो क्वेश्चन था एक, इसके बाद एक और क्वेश्चन देखेंगे, फटाफट इसको नोट करिए,